ओके, लास्ट टाइम हमने रूट लोकस स्टार्ट किया था कि रूट लोकस कैसे ड्रॉ करते हैं एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, व्हाट डज इट मीन। किसी को याद है? कैसे डिफाइन करते हैं रूट लोकस को? अंडर व्हाट कंडीशन व्हाई डू वो पाथ बनता किस तरह है? क्यों फॉलो करता है वो? हाँ, कि आप उसका फीडबैक गेन चेंज करें, ठीक है, या उसके ओपन लूप पैरामीटर्स में कोई एक पैरामीटर चेंज करें तो उसके पोल्स और पोल्स कैसे चेंज होंगे, दैट इज कॉल्ड रूट लोकस। कि अगर आप वही यूजली गेन ही होता है, उसके अलावा नहीं, आप एक वक्त में एक ही पैरामीटर देख सकते हैं। हाँ, तो उस कुछ भी हो सकता है आपके पास कंट्रोलर पर जो भी प्लांट के अंदर प्रोडक्ट के तौर पे आ रही है ना चीज, वो पैरामीटर ले सकते हैं। एरर कंट्रोल जरूरी नहीं है, एरर कंट्रोल जरूरी नहीं है। आपके पास ये प्लांट अगर ठीक है और ये केस का चेंज हो रहा है, कंट्रोलर तो ये है ना आपके पास, यहाँ पे आपके पास लेट्स से एच है, तो अगर यहाँ पे आपका ये, या तो आप इसके साथ चेंज के साथ देख लें, या अगर आप इसके में इंटरेस्टेड हैं कि के साथ ये इसके पोल्स कैसे चेंज हो रहे हैं, क्लोज लूप पोल्स नॉट ओपन लूप पोल्स। हाँ, अगर आपको प्लांट का भी कोई पैरामीटर डिजाइन करने को कहा गया हो, फिर आप कह सकते हैं कि जी वेल अगर ये के चेंज होता है तो फिर पोल्स कैसे चेंज होंगे, वो चीज़ आप देख सकते हैं। सो इन शॉर्ट रूट लोकस क्या होता है कि आपके पास अगर लेट्स से ये यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन यू से कि ये आपके ओपन लूप पोल्स थे, जब आपने फीडबैक गेन बढ़ाया या चेंज किया एच पैरामीटर, तो जो क्लोज लूप पोल्स थे वो कैसे चेंज हुए? वो जब क्लोज लूप एच जीरो था तब ये आपके पास क्लोज लूप पोल्स यहीं थे, और फिर जैसे जैसे आप एच बढ़ाते जाएंगे क्लोज लूप पोल्स आगे शिफ्ट करते जाएंगे, एक क्लोज लूप पोल जीरो पे आ जाएगा और एक टुवर्ड्स इन्फिनिटी चला जाएगा। सो दिस इज रूट लोकस। इसमें अगर आप कहेंगे जी आप डिजाइन कैसे करेंगे, तो आज हम बेसिकली डिजाइन देख रहे हैं। तो डिजाइन में आप लेट्स से ये आपके पास दो पोल्स हैं, ओपन लूप पोल्स हैं, कॉन्जुगेट पेयर है, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये लेट्स से कोई ऐसी चीज बनाते हैं और या इसको इस कर दोनों राइट ऑफ प्लेन में जा रहे हैं। अब डिजाइन आप कैसे करेंगे कि कॉम्पेंसेटर या एज कैसे डिजाइन करेंगे ताकि ये सिस्टम स्टेबल रहे? कैसे हम एच की वो वैल्यू फाइंड करेंगे जहां पे के क्लोज लूप पोल्स इधर आते हैं, जे ओमेगा एक्सिस पे या इमेजिनरी एक्सिस पे, और डिजाइन हम कोशिश करेंगे एच वो वैल्यू लें जो कि इससे पहले हो, ताकि आपके पास सिस्टम के पोल्स हैं वो राइट ऑफ प्लेन में ना जाए या उनके रियल पार्ट पॉजिटिव ना हो। तो एक ये एक बेसिक डिजाइन है कि आपके पास जो इसका गेन है उस पर कंस्ट्रेंट आप लगा सकते हैं कि गेन शुड नॉट बी ग्रेटर देन देन सर्टेन पॉइंट। इसके अलावा भी आप
इसके अलावा भी आप डिजाइन कर सकते हैं, से हमने एक ग्रिड भी देखी थी, एक स्पेसिफिक ग्रिड थी, वो क्या थी? किसी को नहीं याद? कॉन्स्टेंट जीटा भी था और कॉन्स्टेंट ओमेगा भी था, ओमेगा एन भी था। तो आपके पास बहुत सारी लाइंस आ जाएंगी जिन पे के ओमेगा कॉन्स्टेंट और जीटा कॉन्स्टेंट, और आप मर्जी से चूज कर सकते हैं कि आप किस में आप कौन सा पोल रखना चाहेंगे। तार ये कितनी देर लेता है? हो गया खत्म। ओके, हमने जो एग्जांपल लास्ट टाइम ली थी वो भी ऐसी थी। अब हमारे पास जो ओरिजिनल सिस्टम था उसमें एक जीरो था माइनस थ्री पे, एक ओपन लूप पोल था माइनस वन पे, और एक ओपन लूप पोल था फाइव पे, ठीक है। एंड वी वांटेड टू फाइंड आउट के जब हम इसका लूप क्लोज करेंगे और गेन बढ़ाएंगे, हाउ वुड इट इफेक्ट द क्लोज लूप पोल्स। यू कैन सी के द फर्स्ट पोल एट वन माइनस वन विल ग्रेजुअली मूव टूवर्ड्स द जीरो, एंड the pole starting from here, the closed loop pole will go towards infinity. ठीक है? Okay. Now, इसी एग्जाम्पल को अगर आप इस तरह से देखें कि let's say कि अब क्या हो रहा है? और क्या सब वैल्यूज के लिए क्या ये सिस्टम इसका लूप आप क्लोज कर ही नहीं सकते? डज इट मीन दैट कि हम इसका लूप क्लोज ही नहीं कर सकते? क्या ख्याल है? अगर हम फाइंड आउट कर लें कि यहां पे एच क्या है, तो दैट विल बी एन अपर लिमिट ऑन द गेन। सो लेट्स सी क्या होता है, अपर लिमिट क्या आती है।
हम कहाँ पे इंटरेस्टेड है? ऑलमोस्ट एट दिस पॉइंट. सो यू हैव सिलेक्टेड पॉइंट इज इक्वल टू, सो दिस इज द पोल एट दिस पॉइंट एंड गेन इज 1.5783. So will it be a good strategy to reduce the gain, feedback gain, and keep it here, or some banale could इसी से हम controller समझे कि यही एक feedback gain है और बस. दूसरा mode तो आपके पास आ ही जाएगा क्योंकि ये दूसरा mode आपका 7.5 पे है. Which is all right. क्या करना चाहिए, कोई और स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है इस पे? जीरो इनकॉर्पोरेट करें. उससे क्या होगा? लेकिन ये जीरो तो इधर पे जाएगा, ये तो इधर पे जाएगा, इसको तो नहीं आप चेंज कर सकेंगे. पोल एक्स्ट्रा लगा के देख लेते हैं. क्या मतलब? अगर मैं ये करूं इसमें नहीं ऐड करता बल्कि इसका क्या मतलब है? एक और जीरो, एक ओरिजिन पे एक जीरो मैंने ऐड कर दिया. अब क्या होगा? अब आपके पास एक ओरिजिन पे जीरो है, ठीक है, और एक और यहां पे जीरो है. अब यहां से आप रियल एक्सिस से देखें तो आपके पास राइट साइड पे कितने नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस हैं? वन है. तो एक आपके पास यहां आएगा, रियल एक्सिस पे लोकस आएगा, और आपके जो पोल्स हैं वो ओरिजिनेट करके वापस आ जाएंगे. तो खाली एक जीरो इंट्रोड्यूस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमें कुछ और करना पड़ेगा. Any suggestions? Tell me कि अगर मैं एक जीरो और इंट्रोड्यूस करवा दूं यहां फिर क्या होगा? रूट लोकस फिर भी आपके पास कुछ रूट लोकस इधर ही रहेगा, फिर भी इधर ही रहेगा. Yeah.
अगर आप जीरोज इंट्रोड्यूस करवाए इस साइड पे तो क्या होगा? देखिए आपके पास जो रूल है वो राइट हैंड वाला जो रूल है उसके हिसाब से हमेशा आप कुछ भी कर लें ये रूट इस लोकस को आप नहीं चेंज कर सकते, ये हमेशा रहेगा। इसका अलग है रूट लोकस आपको हर चीज का प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दे सकता, नॉन मिनिमम फेस जीरो का स्पेशली कि आपको इतना अच्छा सलूशन नहीं मिलेगा। अब ये कर सकते हैं कि इस लोकस को जितना शिफ्ट कर सकें उस साइड पर करें, लेकिन यह है कि इस तरह का बिहेवियर कभी भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या करेंगे, यहाँ पोज लगा लेंगे, यहाँ लगा लेंगे, उससे क्या होगा ये घूम के फिर वापस आ जाएगा। इसलिए नॉन मिनिमम फेस जीरोस पे आपको केयरफुल होना होगा कि उसको कैसे डिजाइन करना। ओके, अगर हम उस प्रॉब्लम पे वापस आते हैं जी, अब बताएं कि अगर हमने इसमें लेट से कि आप कंट्रोलर डिजाइन करना है इसके लिए कैसे करेंगे, क्या देखना पड़ेगा हमें कंट्रोलर डिजाइन के लिए? पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है कि आपको कुछ स्पेसिफिकेशन मिलनी चाहिए कि जीटा कितना है ओमेगा एन कितना है। आपको ये दोनों पता होंगे तो फिर आप कुछ डिजाइन कर सकते हैं ना। अच्छा, इस केस में ओमेगा एन और जीटा का तो कोई सवाल ही पता नहीं होता, ठीक है। सो यू वुड से कि जी आप इसमें कोई और कॉम्पनसेटर लगाएं, कोई और पोल्स लगाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि यहाँ पे ऊपर और नीचे ये मूव कर सके। अब अगर आप यहां पे दो पोल्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं लेट से क्या होगा? उसके बजाय क्या बेहतर नहीं है कि आप दो जीरोस इंट्रोड्यूस करवाएं, क्या एक जीरो करवाएं और एक पोल करवाएं और देखें उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि रूट लोकस के लिए बेसिक कंडीशन क्या होती है कि पोल रूट लोकस पे होने के लिए क्या जरूरी होता है? दो मेन कंडीशन होती है, क्या मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए और एंगल उसका 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री कहां से क्या होना चाहिए? काउंटर क्लॉकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ओरिजिन, फ्रॉम दिस पॉजिटिव रियल एक्सिस। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपको पोल्स और जीरोस ऐड करने से क्या हो रहा है? चले इसको आपको एक्सपेरिमेंटली दिखाता हूं कि क्या होगा। पहले हम सिर्फ पोल एक ऐड करते हैं, ठीक है। और हम कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक आपके पास पोल यहां है और एक पोल
यहाँ है, ठीक है, और ये फिर आगे ऊपर और नीचे जा रहे हैं। और नीचे आप देखें तो आपके पास ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन यहाँ पे है। तो माइनस वन पे एक पोल है और एक दूसरा पोल वन पे है, ठीक है। इसके से बगैर देख लें, अब ठीक है समझ आ रही है कि यहां पे एक माइनस वन प्लस माइनस जे वन पे और एक माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस जे वन पे दो पोल आपके पास आ रहे हैं। अब इनको अगर आप रूट लोकेशन का ड्रॉ, जो रूट लोकस ड्रॉ हुआ है उसमें क्या है, ये ऊपर और नीचे जा रहे हैं, ठीक है, एसिम्प्टोट्स वर्टिकल्स बन रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे कि हम क्या चाह रहे हैं, लेट्स से कि इसमें हम एस ग्रेड प्लॉट करते हैं, यानी ये आपके पास 0.03, 0.32, 0.56 ये सब आ रहे हैं। इसमें से कौन सा सर्कल मैगाइन का और कौन सा जीटा का है, कौन सी लाइन जीटा की और कौन सी मैगाइन की है, ये सर्कल आकर मैगाइन के और फंक्शन जो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये जीटा की है। अच्छा लेट्स से आप जीटा जो चाह रहे हैं वो 0.5 चाह रहे हैं, ठीक है, और मैगाइन इज लेट्स से 4, अभी कैसे अचीव करेंगे इस पे? बेहतर है, अब बताएं कैसे डिजाइन करेंगे, जीटा इक्वल टू 0.5 और ओमेगा एन इक्वल टू 4 रेडियंस पर सेकंड। ओमेगा एन इक्वल टू 5 का सर्कल कौन सा है, ये 4 वाला चल रहा है और ये 6 वाला है, ठीक है, यू कैन से कि सब समय है, ठीक है। इसी तरह ऊपर भी आप देख सकते हैं कि अच्छा, और जीटा 0.5 की लाइन कहाँ है, जीटा इज 0.016, 0.17, 0.26, 0.5 यहां और बहरहाल दो दो वैल्यूज आ जाएंगे इसमें, वो तो हो सकता है। तो व्हाट डज दैट मीन, क्या हमारी ये स्पेक्स अचीव नहीं होंगी, थोड़ा सा नहीं, आपका जीटा 0.5 तो इधर आ रहा है और रूट लोकस आपका, सॉरी साइमल्टेनियसली तो ये नहीं अचीव हो सकते। अब क्या करें हम, अगर आप चाह रहे हैं कि ये पॉइंट आपके पास कौन सी लाइन, ये लाइन बनती है ना आपके पास, अगर ये रूट लोकस पूरा का पूरा आगे चला जाए, फिर कितना आगे चला जाए,
टारगेट ये हम ऐसा पॉइंट्स पे रूट लोकस पे देखना चाह रहे हैं जिस पे डैम्पिंग रेशियो 0.5 हो और रेडियंस नेचुरल फ्रीक्वेंसी 4 रेडियंस पर सेकंड हो, ताकि वो गेन हम ले लें और वो गेन हम यूज करें ऐसे लूप क्लोज करने के लिए। तो अगर तुम ये लाइन देखो, ये कॉन्स्टेंट डैम्पिंग रेशियो की लाइन है विच इज 0.5, ठीक है अच्छा, और हमें रेडियंस चाहिए 4। तो वो ये दोनों लाइंस, अब ये दोनों पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स हैं रूट लोकस पे, ये तो हमें नहीं मिल सकते ऐसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखना चाह रहे हैं क्या कोई और चेंज करेंगे। तो ये अगर रूट लोकस पूरा पूरा इधर चला जाता, ये देखो ये पॉइंट यहां मिलता है, ठीक है, थोड़ा आगे हम कम से कम क्लोज हो जाते, एग्जैक्टली मे बी ना होता। तो दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। अब आपने क्या किया, पोल लगाया यहाँ पे एक, ठीक है, उससे क्या होगा, नहीं कुछ और भी चेंज हुआ। पिछला जो रूट लोकस था उसमें क्या था, ऐसे था ना, अब क्या हुआ, सॉर्ट ऑफ अट्रैक्ट हो गया टुवर्ड्स राइट एक्सिस, ठीक है, पोल की वैल्यू बदल के देख रहे थे। करते हैं कोई फर्क पड़ा, अभी भी शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट ही हो रही है, ठीक है। सो वी से कि वेल हम ये करते हैं, एसिम्प्टोट्स की शेप चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि आपके पास ज्यादा पोल्स हो जाएंगे तो फिर नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करते हैं कितने एसिम्प्टोट्स बन रहे हैं। तो उस एसिम्प्टोट्स का फॉर्मूला देखें ना, उसमें इस पर डिपेंड कर रहे होते हो। अच्छा, अब एक जीरो हम ऐड करके देखते हैं, लेट्स से -7 पे करते हैं, ठीक है, और इसकी बेसिस पे आर लोकस सॉरी -7 तो नहीं मिलता, पोल ही नहीं उठाया हमने, ये कैसे हो सकता है, ओके इसको हम खत्म करते हैं और न्यूमरेटर में तो फर्क पड़ा, ये आपके ओरिजिनल पोल्स थे, अपने जीरो लेफ्ट ऑफ प्लेन में एक इंट्रोड्यूस करवाया, अब क्या हो रहा है, पहला पोल इस तरह जाके यहाँ वापस आया, दूसरा पोल इधर से आके आगे चला गया। अब आप जो ओरिजिनल हमारा स्पेक्स थी, डिजायर स्पेक्स थी, वो क्या थी, अभी ग्राफ में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, एक तो जीटा आपका होना चाहिए 0.5 के करीब, तो वी हैव 0.5 नियरली हेयर, ठीक है, समय हेयर
और अगर हम जीटा को और इंक्रीज कर दें तो 0.77 तक भी जा सकते हैं, वो सेफ वैल्यूज है। अब दूसरा क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू 4 विच इज दिस लाइन। तो आप ये देख सकते हैं वी कैन हैव अ मैच हियर। अब क्या करेंगे, इस पे गेन चेक कर लेते हैं कि गेन इस पे है क्या। सो वी हैव roughly this point, ये कैसे गेन क्यों नहीं दिया, तो पी इज द गेन 1.9861 नियरली 2। अगर आप फीडबैक गेन 2 रखेंगे तो आपके पास पोल्स ये आ रहे हैं। इनकी डैम्पिंग रेशो कितनी है, डैम्पिंग रेशो इज 0.5 ठीक है, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज 3.99 विच इज 4। ओके, सो इसे डाटा में क्या मिला, इसको सम अप करें कि अभी तक हमने जो डिजाइन किया है वो क्या किया है। प्लांट क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लांट प्लांट आपके पास क्या था, ये था, दैट वॉज जी एफ एस। और डिजाइन प्रॉब्लम क्या थी, ताहिर मार्कर्स, डिजाइन प्रॉब्लम क्या थी आपके पास, ये जी एफ एस है, आपने इसको फीडबैक गेन निकालना है क्या है, व्हाट इज दिस प्रोवाइडेड जीटा इज इक्वल टू 0.5 एंड मेगा एन इज 4 रेडियंस पर सेकेंड। फर्स्ट अटेम्प्ट हमने क्या की थी, फर्स्ट डिजाइन अटेम्प्ट क्या थी, रूट लोकस निकाला था इसका, तो देर वी फाइंड आवर ऑब्जेक्टिव। तो वहां पर हमने एस्क्रेट से जीटा ऊपर प्लॉट कर लिया और जीटा की लाइंस प्लॉट कर ली और ओमेगा एन की लाइंस प्लॉट कर ली। अब इन दोनों पे हमने देख लिया कि ये कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर रूट लोकस आ रहा है या नहीं, रूट लोकस वहां पे नहीं आ रहा था, रूट लोकस काफी परे था उस लाइन से, यानी कि इन शॉर्टर मीनिंग यह है कि वो आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही उसकी इतनी थोड़ी आ रही थी। तो उसके लिए हमें फिर क्या करना था, हमने क्या स्टेप किया था, हमने भी एक तो बेसिकली इस तरह की चीज आ रही थी ना, ये थे आपके पोल्स और आपके पास जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो भी ऐसी आ रही थी ठीक है, और उसका जीटा जो
क्रॉस कर रहा था वो यहां कर रहा था। हम ये चाह रहे थे कि हमारे रूट लोकस है वो आगे जाएगा तो इस पॉइंट को टच करेगा ना, तो तभी हमारे पोल्स जा सकते हैं। तो वो कैसे वो आगे जाएंगे, हमने एक जीरो ऐड किया था यहाँ सेवन पे, उस वजह से क्या हुआ था कि ये पूरा पूरा कैसे आया था, ये ऐसे पहले जैसे भी आया था आपके पास एक रूट लोकस पड़ा गया और यहाँ पे आपके पास टच हो रहा था और वो पॉइंट आपने उसका गेन फाइंड कर लिया। और वो गेन अब वहां कहाँ फिट होगा, के में फिट होगा, ठीक है। और भी कोई चेंज आएगी इधर, होल जीरो जीरो ऐड किया आपने एस प्लस यहां सेवन पे किया था ना, तो बेसिकली आपने एस प्लस सेवन यहां पे मल्टीप्लाई करने होंगे, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन वाइज इज नॉट पॉसिबल जस्ट टू एड ए जीरो, आपके पास जो भी फिजिकल कंपनसेटर फिजिकल कंट्रोलर की इम्प्लीमेंटेशन होगी उसमें कोई ना कोई आपको यूज करना पड़ेगा एक पूरा ट्रांसफर फंक्शन, यहां पे भी कोई एस प्लस पी देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप बहुत दूर एक पोल ले लें और उसको यूज कर लें, तो विच मीन्स कि अगर आप जीरो एक पास एड कर देंगे देन यू कैन हैव चेंज्ड रूट लोकस और उसके बेसिस पे आप मजी का जीटा और 0.5 जीटा और मैगन ले सकते हैं। ये कंट्रोलर में ऐड कर रहे हैं, कंट्रोल एक तरह से कंट्रोलर ही बना रहे हैं आप कह सकते हैं, आप ये कंट्रोलर ही है ये। इसमें वैल्यूज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, वैल्यूज बस डोमिनेंट होनी चाहिए, जो असल चीज इम्पोर्टेंट है वो प्रिंसिपल है। आपने खुद देख लिया कि पोल्स ऐड करने से क्या हुआ था, रूट लोकस आपका राइट को शिफ्ट हो रहा था और अगर आप जीरोस डालेंगे तो लेफ्ट को शिफ्ट हो रहा है, सो दिस इज अ प्रिंसिपल विच इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्ट जीरो की वैल्यू या पोल की वैल्यू रखना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रॉपर सिस्टम वो होता है जिसमें डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू अ ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, ये प्रॉपर सिस्टम है, तो इसलिए आपको नीचे पोल डालना पड़ेगा। सेंसस का आई एम नॉट श्योर सेंसस की क्या होगी, आई डोंट नो, मैंने कभी इस चीज को देखा नहीं है। जो सिंपल जीरो वाले सिस्टम है सिंपल वही होते हैं, एफआईआर टाइप चीजें, वो कंटिन्यूअस टाइम में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सिर्फ जीरो तो नहीं करने देगा आपको, जीरो पोल दोनों करने होंगे, हाँ तो वो नहीं करने देगा आपको, वो एक ट्रांसफर फंक्शन ही नहीं बनेगा। ट्रांसफर फंक्शन तो प्रॉपर होगा तो होगा, वरना तो नहीं होगा। हाँ लेकिन फिजिकली ऐसा क्यों होता है आई डोंट नो, अगर किसी और को पता तो पता नहीं, लेकिन आई डोंट नो कि फिजिकली व्हाई डू यू नीड मोर पोल्स और इक्वल पोल्स देन जीरोस, व्हाई नहीं। इशू ये कि फिजिक्स से आप इसको कैसे करेंगे, ओके। अब इफ आई आस्क यू गाइस के इसको आप चेक करें, कैसे चेक करेंगे क्या ये जो डिजाइन किया हमने ठीक डिजाइन किया, स्टेप स्टेप किस चीज को देंगे। अगर हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बना लें उसकी डैम्पिंग रेशियो चेक कर लें क्या है, फिर
अगर हम उसके डैम्पिंग रेशियो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्लोज लूप की देखें, एट व्हाट वैल्यू ऑफ गेन, तो आपको क्रॉस चेक हो जाएगा कि क्या आना चाहिए अभी। अगर मैं इसका क्लोज लूप बनाऊं इसका, ठीक है, तो क्या बनेगा, उसके पोल्स की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। क्या ख्याल है सुहेल? वो ज्यादा जरूरी है, तुम वो पढ़ो। अगर आप क्लोज लूप इसका ट्रांसफंक्शन बनाएं, उसके जो पोल्स होंगे उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कैन यू प्रिडिक्ट? रूट लोकस है यही कि आप अपनी मर्जी का ऐसा गेन चूज करें जिसपे आप अपनी मर्जी की डैम्पिंग रेशियो, अपनी मर्जी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी ले सकें, ठीक है। और वो मर्जी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग रेशियो क्या है, 0.5 और 4। अच्छा, अब आपका जो सिस्टम है इस वक्त वो ये है, ओपन लूप सिस्टम, s+7/x² + 2s+2। ये हमने 0 यहां ऐसे कंट्रोलर में ऐड कर लिया। अब आप ये करें कि क्लोज लूप सिस्टम बनाए, किस किस को फीडबैक कमांड याद है? पहले तो आपका सिस्टम आ जाता था सिंपल, उसके बाद नहीं, इसको 2 करेंगे ना फिर आप, या अभी 1 ही रहने दें, देखते हैं आगे इसके क्या होता था। -1 नहीं, नेगेटिव फीडबैक रिज्यूम्ड, ठीक है। सो वी से के हमने ठीक ही कैलकुलेट किया ना अभी, ठीक है, यूनिटी फीडबैक हम दे रहे हैं। अच्छा, अब ये सीएल से आप इसके डैम्पिंग, इसके पोल्स का देखें आप क्या आता है। डैम्पिंग रेशियो 0.5 और नेचुरल फ्रीक्वेंसी 3। हाँ, गेन नहीं दिया हमने, ये मैंने इनसे पूछना था अभी। अभी हमने वो कास समझ आ रही क्या हुआ, कास का है वो, कास तो ये है ना, वो भी कास है। ये देखो आपके पास ये सिस्टम है, ठीक है, ओपन लूप सिस्टम, और ये आपका फीडबैक गेन है। अगर तुम ये देखो ना, हेल्प कैलकुलेट हमने 1.98 समथिंग किया था। तो ये देखो, ये आपके पास ओरिजिनल प्लांट है, आप फीडबैक कर रहे हो और उसको कंट्रोलर जो है या गेन जो है उसे गुजार के नेगेटिव फीडबैक कर रहे हो, ठीक है। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि सिस्टम 2 है, दैट इज सिंपली द गेन, और जो सिस्टम 1 है वो दैट इज आर ओपन लूप प्लांट। ओपन लूप प्लांट में हमने एक 0 ऐड कर दिया अपनी मर्जी से। सो यहां पे अब क्या आना चाहिए, अब इसकी आप डैम्पिंग देखें तो क्या आएगी, अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये आ गई तो क्या ख्याल है, अगर पेपर में ही आएगा तो कर लेंगे, मैटलैब में ही। हाँ, इसकी वीडियो देख लेना, 4-5 दफा देख लेना, 4-5 सवाल हो जाए। अच्छा, ये आपकी
इसका नॉट इसका जो नट शेल में हमने जो किया वो ये किया कि सिंपली एक जीरो ऐड किया जिससे सारा सारा जो रूट लोकस था वो लेफ्ट साइड पे चला गया और वहां पे हमने अपनी मर्जी की डैम्पिंग रेशियो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी पिक की और उस पर गेन पिक कर लिया। दैट्स व्हाट ऑल वी हैव डन। इसमें कोई और चीज हमने नहीं की। अच्छा, अगर आप रूट लोकस को देखें, डू यू सस्पेक्ट अनस्टेबिलिटी? यानी आप गेन इन्फिनिट भी करते जाए तो स्टेबल सिस्टम आपका स्टेबल ही रहेगा, विच मीन्स कि अगर मैं मार्जिन इसका देखूं इसका गेन मार्जिन इन्फिनिट है। अभी गेन मार्जिन क्या होता है ये हम कभी बाद में देखेंगे, लेकिन इट सॉर्ट ऑफ टेल्स अस कि आप जितना मर्जी इसका गेन बढ़ा दें सिस्टम अनस्टेबल नहीं होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन पोल वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप बहुत आप ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे दे दें उसको, उसका इफेक्ट ना होने के बराबर होगा। ओके, ये चीज हमने पहले ही देख ली है कि आपके पास खाली गेन से आप चीजें इंप्रूव नहीं कर सकते। आपको इंप्रूव करनी है चीजें तो फिर आपको कोई पोल जीरोस वगैरह कोई ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर आप ये आपका प्लांट था तो आपने क्या किया कि उसको एक तो गेन दिया यहां पे और यहां पे एक और ट्रांसफर फंक्शन लगा दिया। ठीक है, एस प्लस सी ओवर एस प्लस पी। इसको इसका एक पर्टिकुलर नाम है, दिस इज अ कॉम्पेंसेटर। इससे आप प्लांट को कॉम्पेंसेट कर रहे हैं तो ये कॉम्पेंसेटर कहलाता है। रियली इसके जो इजिएस्ट फॉर्म है यही होती है, एस प्लस सी और एस प्लस पी। ले जा सकते हैं, लेकिन हमने रूट लॉ को सभी जो समझाने के लिए किया वो इसी तरह किया, we'll keep it that way for the time being। अच्छा, अब ये कॉम्पेंसेटर एक्चुअली प्लांट में ये कैसे लगा होगा? कंट्रोलर मोस्ट ऑफ टाइम आपके पास डीएसपी चिप में होगा। पहले वक्तों में कैसे होता था, कोई न्यूमेटिक हो सकता था, कोई हाइड्रोलिक हो सकता था, लेकिन अब आप या एनालॉग कंट्रोलर हो सकता था, एनालॉग सर्किटरी का बना हुआ हो सकता था, लेकिन अब आपके पास मोस्टली कोई प्रोसेसर होगा, कोई एम्बेडेड सिस्टम होगा, उसके अंदर आप अपना कोड के अंदर इसके पैरामीटर्स डिजाइन के आप पैरामीटर्स क्या होंगे, ये गेन और ये ट्रांसफर फंक्शन, ये आप उसमें फीड करेंगे। अच्छा, कौन सा? नहीं, पी आई डी नहीं है ये, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। पी आई डी तो मॉडल बेस्ड होती नहीं है ना, इसमें ना प्योरली मॉडल को यूज करें। पी आई डी में तो आप ह्यूरिस्टिक ट्रेनिंग है या ट्यूनिंग है या फिर आप शुरू में स्टेप रिस्पॉन्स लेके उससे आप निकाल लेते हैं, मॉडल बेस्ड तो ये है ही नहीं। इस केस में तो आप प्योरली मॉडल को यूज कर रहे हैं, रूट लोकस उसका बना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। नॉन प्लांट के लिए आप कर रहे हैं। हाँ, ये आर्टिफिशियल डायनेमिक्स है, बिल्कुल। आपने कभी एफ आई आर की देखी है? आई आर की इम्प्लीमेंटेशन, आई आर की अगर आप देखें वो फिल्टर ही होता है, 5-10 लाइनों की इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये वही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। बाकी वो कोडिंग होगी, सेफ्टी जैकेटिंग और इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन जो हार्डवेयर कंट्रोलर है वो यही होगा सर। हाँ, अगर आप स्टेट स्पेस वाला कह रहे हो तो फिर डिफरेंट है।
फिर आपको शायद ऑब्जर्वर भी लगाना पड़े, उसमें थोड़ी सी इक्वेशन ज्यादा हो जाएंगी, बहुत ज्यादा नहीं होंगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब ये जो कंपनसेटर है ये एक ट्रांसफर फंक्शन है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। और ट्रांसफर फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, वो एक, अगर मैं इसको एक ब्लॉक कह दूं, ठीक है, एक इनपुट है इसकी, एक आउटपुट है, ये यूथ की, ये लेट से ये पी इन है और क्यू आउट है, पी तो नहीं कहना चाहिए इसको, क्या नाम दें, एक्स इन हो रहा है और वाई आउट हो रहा है, ठीक है। हमारे केस में यहां पे इन क्या होता है कंट्रोलर में, यहां पे ई इन होता है और यू आउट होता है, तो यही हम ई और यू यूज कर लेते हैं। अब यू पे किस तरह का इफेक्ट आ रहा होगा, ई के साथ चेंज तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ई नहीं चेंज हो रहा तो क्या यू भी चेंज नहीं होगा, चेंज किस तरह की होगी। मसलन यहां पे अगर आप वन इनपुट करेंगे आउटपुट पे वन मिलेगा, इसकी चेंजेस दो तरह की होंगी ना आपके पास, या तो आपके पास गेन और थीटा। ये जो सिस्टम है ये जो नेटवर्क है ये ई का गेन चेंज करेगा या इसका मैग्नीट्यूड एंगल चेंज करेगा। गेन चेंज तो बड़ी ऑब्वियस चीज है, व्हाट अबाउट एंगल, जो एंगल चेंज होगा वो कैसे कंप्यूट करेंगे आप, एंगल थीटा विल बी एस प्लस सी, यही होगा ना, और इससे ये कैसे आएगा आगे, एस प्लस सी माइनस एस प्लस पी, ठीक है। अब अगर मैं फिर जीरो भी कह सकते हैं दूसरे को, फिर तो सिर्फ गेन चेंज होगी, रियल में तो सिर्फ गेन चेंज होगी। अब अगर आपके पास लेट्स से के नहीं, अगर आप इसको रियल भी रखेंगे ना तो फिर भी चेंज होगी, फिर भी चेंज हो सकती है। अगर आप कहें कि और ये आपका जीरो है, ठीक है, और आप कोई भी टेस्ट पॉइंट ले लें, ये आपका टेस्ट पॉइंट है, तो एंगल आप कैसे निकालते थे, इसको इससे ज्वाइन करें। टेस्ट पॉइंट का मतलब है कि किसी हर पॉइंट पे ये पोल और जीरो डिफरेंट एंगल बना रहे होंगे हर पॉइंट के रिस्पेक्ट से, तो कोई एक सैंपल पॉइंट ले लें और उसके रिस्पेक्ट से एंगल्स देखें क्या होंगे। ये पोल बना रहा होगा और ये एंगल जीरो बना रहा होगा, हाँ यही होगा। ये आपके पास क्या है, ये पी है और ये जी है, इसको आप थीटा पी कह लें, इसको थीटा जी कह लें, आपने देखना ये होगा कि जनरली ये एंगल्स क्या बन रहे हैं फॉर गिवन टेस्ट पॉइंट। अच्छा, यानी कि जो नेट एंगल ऐड हो रहा है दैट विल बी थीटा इज इक्वल टू थीटा जी माइनस थीटा पी। अब यहां पे थीटा
पी बड़ा या थीटा जी? थीटा पी बड़ा. सो यू हैव थीटा पी इज ग्रेटर देन थीटा जी. ठीक है, और ये बताएंगे पी और जी के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशनशिप है? ठीक है. अच्छा, अब एक दूसरी कंडीशन देख लें. इसमें जी पहले ले लें और क्या चीज? पॉइंट आप चेंज करेंगे तभी पसंद कहां पे ले जाएंगे पॉइंट? तभी एक ये इसका अब बहुत दूर ले जाएंगे तो फिर एंगल दोनों के एक जैसे हो जाएंगे, फिर तो एक जैसे हो जाएंगे. लेकिन आपने सिर्फ वो टेस्ट एंगल देखने हैं, टेस्ट पॉइंट्स जिन पे आपका रूट लोकस चल रहा है वो वाले देखेंगे आपसे. रूट लोकस आप इन्फिनिटी वाला तो नहीं देखेंगे, तो वो रियली आपके पास इधर ही कहीं होगा. अच्छा, इस केस में क्या होगा? Now theta z is theta p is less than theta z, but z is less than p. अब ये मुझे बताएं कि पॉजिटिव एंगल किस में बनेगा? नेट एंगल जो है वो पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? वो क्यों? ठीक है, दूसरे केस में पॉजिटिव होगा. अच्छा, इसे आप एक चीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं. ये मैं मानता हूं कि टेस्ट एंगल आप चेंज करेंगे तो शायद ये रिलेशनशिप चेंज हो जाए, लेकिन एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, पी और जी का जो आपस का रिलेशनशिप है वो डिटरमिन कर रहा है कि नेट एंगल, ये वाला एंगल जो कि आपका कॉम्पेंसेटर इंट्रोड्यूस करवा रहा है, वो पी और जी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा. ठीक है, पी और जी का रिलेटिव मैग्नीट्यूड डिटरमिन करेगा. तो अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, एस प्लस वन ओवर टी डिवाइडेड बाय एस प्लस वन ओवर अल्फा टी, अब मुझे अगर पी ओवर जी का रिलेशनशिप निकाल के देखें क्या होगा. पी क्या आपका और जी? ये आ गया. ठीक है, और यू कैन से वन ओवर अल्फा. सो इफ अल्फा इज बिटवीन जीरो टू वन, पी इज ग्रेटर देन जी और लेस देन जी? इस कैलकुलेशन से हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम एक सिस्टम ऐसा बना लें जिसमें अल्फा एक वेरिएबल जिसको हम ट्यून करें, ठीक है, और उससे हम थीटा निकालें, इसको इस तरह कह लें, अल्फा आप चेंज करें, ठीक है, उससे थीटा चेंज होगा. तो इट मींस कि अगर हमें थीटा पता हो कि हमने थीटा कितना रखना है, तो हम उस कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फ्रॉम एंगल पर्सपेक्टिव द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ पी एंड जी डोंट मैटर, बट सो
So we will be designing this ratio alpha instead of exact P and Z for designing a compensator. P और Z के मैग्नीट्यूड नहीं, रेशियो एंगल्स में नहीं होगी, वो एंगल का साइन आपको बता देंगे कि एंगल पॉजिटिव है या एंगल नेगेटिव है. वो रेशियो तो नहीं होगी लेकिन एक प्रोपोर्शनैलिटी आप कह रहे होगी. ये देखे ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी तो आपको नहीं, अरे प्रोपोर्शनैलिटी नहीं आएगी, लेकिन ये है कि आपके पास एक वेरिएशन आ जाएगी कि आप अल्फा को ट्यून करेंगे तो ये एंगल चेंज होगा. और ये एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव जब होगा तो क्या होगा कि आपके पास, अगर इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखा तो ये जो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसके अंदर एक एंगल ऐड कर रहा है, प्लस या माइनस. जब ये प्लस एंगल ऐड करेगा देन इट इज कॉल्ड अ लीड कंपेंसेटर, और जब एक नेगेटिव एंगल ऐड करेगा देन इट इज कॉल्ड अ लैग कंपेंसेटर. आप लोगों को तो लगता है बस हुई है. अच्छा, ये जो आप एंगल है ये डिटरमिन करेगा कि आपने, बेसिकली हम ये करते ही हैं कि हम डिटरमिन कर लेते हैं कि आपने लीड कंपेंसेटर लगाना है या लैग कंपेंसेटर लगाना है, और देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप थीटा देख लेते हैं क्या होना चाहिए, और थीटा से फिर आप अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा से फिर आप पोल्स एंड जीरो निकाल लेते हैं. किस चीज का पॉइंट? ये वाला पॉइंट नहीं, नहीं हम इनको चेंज करेंगे. टेस्ट पॉइंट में आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि थीटा क्या होता है. ये टेस्ट पॉइंट एक्चुअली क्या होगा, आपके पास कोई रूट लोकस है, ठीक है, तो ये टेस्ट पॉइंट उसके ऊपर से कोई पॉइंट लेके आप पिक करके बाकी का उस पोल और जीरो डालने का उस पर इफेक्ट देख लें आप, ठीक है. और इफेक्ट का मतलब क्या, अगर आप थीटा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो या तो इधर को टिल्ट कर जाएगा या इधर को टिल्ट कर जाएगा. तो ये हमने देखना है कि लीड लैग कैसे डिजाइन करते हैं. हम ये करेंगे कि रूट लोकस से ज्योमेट्रिकली देखेंगे कि वो जी और पी कौन से होने चाहिए. नहीं, अभी हम रूट लोकस का वो वाला एनालिसिस अभी हमने शुरू नहीं किया. पहले हम देखेंगे लीड लैग कंपेंसेटर्स होते क्या हैं, वो एंगल्स कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं. जब हम एक दफा मेक श्योर कर लेंगे थीटा में पता है कि क्या है, वो थीटा से फिर आप रूट लोकस को मॉडिफाई करते हैं पी और जी निकालने के. अभी हमसे कंपेंसेटर देख रहे हैं, कंपेंसेटर कैसे आता है. यहां तक किसी को समझ ना आई हो? वो कास क्या होता है लीड कंपेंसेटर? लीड कंपेंसेटर क्या होता है? कंपेंसेटर का एंगल पॉजिटिव हो, यानी कंपेंसेटर एंगल लीड कर रहा हो, बस. अगर आपके पास सहेल, तुम बताओ कि आपके पास इनपुट है, इस पर आप प्लॉट करो लीड कंपेंसेटर का इफेक्ट क्या होगा. अगर यूनिटी मैग्नीट्यूड है, आगे या पीछे कैसे सकते, लीड कंपेंसेटर एक ही तरफ होगा. मैं लीड की बात कर रहा हूँ.
से पूछा मैंने। देखो आप ये कह रहे हैं अगर यहां हो सकता है, यहां से स्टार्ट हो सकता है कि नहीं? ये क्या है, ये लैग है आपके पास, क्योंकि जो जिस पॉइंट पे सिस्टम यहां था, इनपुट थी, तो काफी देर के बाद सिस्टम की आउटपुट वहां पहुंची, दैट इज अ लैग। लेकिन जिस पॉइंट पे सिस्टम की इनपुट यहां इस टाइम पे थी, अगर आपके पास ये पहले इधर हो, दिस इज लीड। हाँ ये रियल होता है। इसको अगर आप ये देखें, इस अगर आप डेरिवेटिव को देखें, डेरिवेटिव क्या करता है, डेरिवेटिव एक्शन क्या होता है, दैट इज अ लीड एक्शन। वो साइन को कॉस कर रहा है ना, वो एंटिसिपेट कर लेता है। हाँ तो आपको बस 90 डिग्री का लीड आ जाता है डेरिवेटिव से, और यही होता है कि वो पहले ही एंटिसिपेट कर रहा था कि सिग्नल किधर जा रहा है, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ एंटिसिपेटरी एक्शन। डेरिवेटिव एक कंपोनेंट है, उसमें हिस्ट्री नॉलेज कहां से आएगी, नहीं आएगी उसमें। इंटीग्रेटर में तो फिर भी हिस्ट्री होती है ना इनिशियल कंडीशन की, डेरिवेटिव में तो कोई भी नहीं होती। डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज मींस कि आइंदा सिस्टम में कितना, किस तरफ को चेंज होना है, पॉजिटिव होना है नेगेटिव होना है, कितना चेंज होना है, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ एंटिसिपेशन। अगर आपको किसी गिवन पॉइंट पर पता है कि आप सिस्टम ने कितना चेंज होना है, इंक्रीज होना है डिक्रीज होना है, कितनी वैल्यू चेंज होनी है, तो फिर आप यू कैन ऑलवेज टेल कि आइंदा क्या होगा। ऑफ कोर्स इस तरह ही होगा, कौन से सिस्टम की, इसके पास सिर्फ कंपनसेटर की इंफॉर्मेशन और कोई नहीं है, ये सिर्फ हम लीड की बात कर रहे हैं। हाँ तो डेरिवेटिव इज अ लीड कंपोनेंट ना, क्योंकि आपके डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज एस, इसका एंगल क्या होगा भाई, दिस इज एंगल, इसे जे ओमेगा, ठीक है, और यहां पे आ गया। कर सकते हैं आप, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं अभी, दैट इज समथिंग अ डिफरेंट कंपनसेशन, दैट्स कॉल्ड लीड लैग कंपनसेशन। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन जो आपने अभी देखा ना ये चीज, एस प्लस वन ओवर टी ठीक है, ये एक स्पेसिफिक लीड लैग डिजाइन मेथड है, तो इस केस में इसको आप लीड लैग कंपनसेशन ही कहेंगे। वो अगर आप पीआईडी की बात करें, फिर आप डिजाइन कुछ और तरीके से कर रहे होंगे, फिर ये वाला डिजाइन मेथड नहीं यूज हो रहा होगा, दैट कैन बी अ कंपनसेशन आई एग्री, लेकिन नॉट दिस काइंड ऑफ कंपनसेशन। हाँ इट्स अ कंट्रोलर, इट्स अ वैलिड कंट्रोलर। तो नेक्स्ट टाइम हम लीड लैग रूट लोकस पे या किसी और बेसिस पे, पहले हम रूट लोकस से ही सेव करेंगे, कैसे डिजाइन करते हैं वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ के आए कि लीड लैग क्या होता है, और बुक का जो दिस इज चैप्टर 7 के शुरू के कुछ आर्टिकल 7.1 और 7.2 होगा। चैप्टर 6 में हमने सिर्फ वही पार्ट जो लास्ट लेक्चर में किया वही आपने करना, बाकी उसमें पॉजिटिव फीडबैक और इस सारी चीजें वो आपको जरूरत नहीं करने की। ओके थैंक यू।